सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सेंटा क्लॉस को ब्रश पेन से ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने नज़दीक ही शॉप से खरीदे थे और ये मुझे 200 रुपए के पड़े हैं। तो आप बताइए ये आपके मार्केट में कितने के मिलते हैं, और मैं इनसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आपको आउटलाइन ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जा करके देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन ब्रश पेन्स में स्किन टोन तो नहीं है, बट ये पिंक कलर है, तो हम इसी से फेस को ड्रॉ करेंगे और बाकी सब कलर तो इसमें पर्याप्त हैं। तो चलिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखिए। और ये पेज थोड़ा मीडियम क्वालिटी का है, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी वाला हमारी औकात के बाहर है। और स्केच अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करना। तो लाइट पिंक हो जाने के बाद हम उस पर थोड़े से रेड रेड डॉट कर देंगे, क्योंकि ये चिन्स थोड़े रेड रेड हैं और ये शादी की वजह से ही रहते हैं, तो हम उन पर रेड 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 डॉट कर देंगे। रेड डॉट हो जाने के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये आईब्रोस है जहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर दूँ, पर ये फैल रहा था क्योंकि पेपर की क्वालिटी थोड़ी बहुत कम है, तो और स्केच कलर भी वो रहते हैं ना ज़्यादा वाटर कलर जैसे, तो फैल रहा था, तो मैंने उस पर नहीं किया। फिर मैंने जेल पेन से उसको ड्रॉ कर दिया। आईब्रोस ड्रॉ जाने के बाद फिर हम हेयर्स पर आएंगे। तो हेयर्स पर मैंने सोचा कि ये ब्लैक ही स्केच कलर कर देते हैं ब्रश पेन, तो मैंने इस पर किया तो ये फैल गया। तो आप देखिए मैंने कैसे किया, ब्लैक कलर तो फैल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले सूख जाने देते हैं, तो तब तक हम ऊपर की टोपी को ड्रॉ कर लेंगे रेड कलर से। रेड कलर हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ब्लैक पेंसिल कलर करेंगे, क्योंकि स्केच पे तो और कोई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फैल रहा था, तो मैंने ब्लैक पेंसिल कलर से ऊपर की डार्क साइड को ब्लैक कलर से कर दिया। ब्लैक कलर हो जाने के बाद फिर हमने सोचा कि ये ग्रे कलर का एक चमक लू पेन है, तो हम उससे स्टार बना देंगे। क्लॉथ्स पर कलरिंग हो जाने के बाद फिर हम फिर से हेयर्स पर आएंगे, तो मैंने सोचा कि अब तो ये सूख गया होगा, पर ये अभी भी फैल रहा था, तो मैंने जेल पेन से हेयर्स को ड्रॉ कर दिया। और जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए।
फाइनली हमारा स्केच कंप्लीट होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट स्केच किसका बनाऊँ।